ओम शांति। आज यहाँ हम आपको सुना रहे हैं कि हम सदा सुखी कैसे रहें। वैसे तो दुनिया में सभी सदा सुखी रहने के लिए ही प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात, कोई समस्या, कोई ऐसी परिस्थिति ऐसे आ जाती है जो लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई समस्या आई नहीं, कोई परिस्थिति ना आए, कोई ऐसी बातें हुई नहीं, ऐसी भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम सदा सुखी कैसे रहें उसको हमें समझना है। उसके लिए पहले चाहिए हमें ज्ञान। ज्ञान माना समझ, हर बात की समझ, हर समस्याओं का कारण का हमें समझ हो। जो भी बातें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, ये समस्याओं का कारण क्या है, अगर हमें समझ में आए तो हम दुखी नहीं होंगे। भले और सभी हाय हाय कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन अगर हमें समझ में आए ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है, तो समझ के कारण हम दुखी नहीं होंगे। उस समझ के कारण भले वो समस्या होगी लेकिन हमें खुशी होगी। और दूसरी बात है गुण, अर्थात कभी भी हमने इस बातों को ध्यान ही नहीं दिया। हमने सुख के लिए साधनों को इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, बिल्डिंग बनाए, गाड़ी ले, घर में फ्रिज लाते हैं, साधनों को हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी हमें गुणों की धारणा करनी है कभी हमने सोचते भी नहीं है। अर्थात कभी हमें धैर्यता को चाहिए, कभी हमें संतुष्टता चाहिए, कभी नम्रचित होना चाहिए, कभी हमारा मधुरता चाहिए। इन गुणों की धारणा के सिवाय क्या कभी सुखी हो सकते हैं? आप दुनिया में देखेंगे जो भी अनबन, खिटपिट, जो भी समस्याएं जो क्रिएट हो रहे हैं वो इन गुणों की धारणा की कमी के कारण। अर्थात इन गुणों की धारणा के सिवाय कभी हम सदा सुखी बन ही नहीं सकते, तो हमें इन गुणों की धारणा हमें चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे सोच को परिवर्तन करना चाहिए। अर्थात अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं समस्याओं के विषय में, या तो किसी के हिंसा, नफरत, बदले की भावना, अगर इस प्रकार के अगर हमारी सोच है तो कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देनी है, तो सोच से तो हम सुखी रहेंगे। कहा भी जाता है जैसी सोच वैसी हमारी स्थिति, सोच से, विचारों से हमारी स्थिति बनती है। और चौथी बात है कि स्वयं की पहचान। आज तक हमने अपने को शरीर समझकर ही चल रहे थे, लेकिन यहाँ हमें समझ में एक नई बात आ रही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को क्यों समझना है, सदा सुखी बनने के लिए आत्मा क्यों समझना है? क्योंकि आत्मा भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। भगवान की संतान माना भगवान की समानता स्वरूप में है। जैसे एक शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, भगवान की संतान माना भगवान जैसे समानता है। अर्थात भगवान के लिए हम क्या कहते हैं, भगवान तो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है। तो भगवान अगर सुख का सागर है तो मैं सुख स्वरूप तो हूं, भगवान शांति का सागर है तो मैं शांति का स्वरूप तो हूं। तो अपना स्वरूप का ही अनुभूति सुख शांति की अनुभूति होगी। और पांचवी बात है कि हम अशरीरी बनने का हम अभ्यास करें। अशरीरी बनना, आप ये देखेंगे जितने भी ये जो ठंडी, गर्मी, दुख, दर्द, भूख, प्यास, ये सब हमारे शरीर के भान से ही होता, और अशरीरी बनने से इस दुख, दर्द, ये समस्याओं से परे हो जाते हैं। आत्मा समझकर अगर हम अशरीरी बन जाते हैं तभी हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। एक एग्जाम्पल में, जब आप बहुत गहरी नींद करते हैं, इस शरीर के भान से, सुध बुध से परे हो जाते हैं, एक घंटा भी ऐसे अगर नींद होती है तो जागने के बाद आप कितना अच्छा सुखद आप फीलिंग करते हैं, बिल्कुल हल्कापन, एक चैन का फीलिंग होती है। इसी प्रकार भले इस शरीर में होते हुए भी अगर आत्मा समझकर हम मेडिटेशन के द्वारा इस शरीर के भान से अशरीर हो जाते हैं तभी सच्चा सुख
और शांति का हमें अनुभव होता है। और छठी बात है कि ईश्वरीय अनुभूति, जब तक हमने परमात्मा मिलन का हमने अनुभव नहीं किया तब तक इस दुनिया में हमने भले कुछ भी इकट्ठा कर लेते हैं, कितना भी धन हो, हम सदा सुखी बन ही नहीं सकते। अर्थात परमात्मा मिलन ही सबसे बड़ा सुख का साधन है। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को देखिए, महात्मा बुद्ध जब राज परिवार के थे, राजकुमार थे, लेकिन राजाए सुख भी सुख नहीं भासा। जो साधना में तपस्या में जो सुख है, परमात्मा मिलन में जो सुख है, ईश्वरीय अनुभूति में जो सुख है, वो इस दुनिया में वो सुख है ही नहीं। तो हमें परमात्मा मिलन का सुख का अनुभव करना है। और सातवीं बात है कि पवित्रता, मन में जो हमारे मैलेपन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, ये सब विचार जो हमारे मैलेपन है, इन विचारों का मैलापन जब हम समाप्त करेंगे तभी हमें सच्चा सुख अंदर में फीलिंग होगा। और आठवीं बात है कि अपनापन, अपनापन की भावना से ही हमें सुख मिलता है। समझ लीजिए आप कोई एक नए स्थान पर चले गए जहां सभी अनजान हैं, कोई अपने पहचान वाले कोई नहीं है, वहां रहने के लिए आपको कैसा महसूस होगा? और उस स्थान पर कोई एक आपको पहचान वाले मिल जाए, कोई अपना लोग मिल जाए, तो उसके साथ आपको क्या महसूस होगा? उसके साथ मिलने में आपको सुखद अनुभव होगा। तो कहने की बात है इस दुनिया के सभी ही अपने हैं, ये हम समझ ले, सभी अपना समझ ले, तो भी हमारे अंदर में एक सुख फीलिंग होगा, सबके साथ मिलते हुए हमें सुख अनुभव होगा। और नवी बात है कि नवीनता, आप देखेंगे कोई भी बात में अगर हमें पुराना लगता है, वही वही लगता है, तो हमारा सुख समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई आश्चर्यजनक आप सर्कस देखते हो, लेकिन एक बार देखा, दो बार देखा, अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हमने देखते देखते अगर हमारे मन में वही वही आ जाता है तो हमारा सुख समाप्त हो जाता है। तो कहने की बात है हमारे मन के विचारों में नवीनता हो, अपने नए नए विचारों से हम सदा सुख का अनुभव करेंगे। और अंत में दसवीं बात है कि निस्वार्थ भावना, आप देखेंगे निस्वार्थ भावना से हम कुछ भी करते हैं एक आंतरिक सुख हमें अनुभव होता है। स्वार्थ से हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हासिल कर लेते हैं, आंतरिक सुख अनुभव नहीं होता है। और स्वार्थ से ही जो भी समस्याएं, अनबन, ये सब स्वार्थ के कारण क्रिएट होता है। तो हमें एक निस्वार्थ भावना को अपनानी है, सदा सुखी बनने के लिए, सदा सुखी रहने के लिए इन 10 बातों को हमें अपनानी है। ये जो हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये शरीर के लिए जो कुछ करते हैं, ये इंद्रिय का सुख है, लेकिन ये जो 10 बातें सुनाए, ये हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, सदा सुखी अनुभव करेंगे। ओम शांति।